अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 2.2 क्लास मैट्रिक। और यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ाना है, इस चैप्टर के अंदर रूल समझाना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या रूल ऑफ एक्सपोनेंट। और मैं कहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर समझ में आ गया है, चलिए चैप्टर 2 उसका बहुत पक्का है, उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अपना क्या करता है 50% मैथ को आसान बनाता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। इसका एक एक्सरसाइज 2.1 है जो मैं पहले कुछ वीडियो में समझा चुका हूँ आपको। मैं स्टार्ट करूँगा 2.7 से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बिल्कुल स्टार्ट है, तो मैं कहूँगा कि बगौर इसको आप समझें ताकि आपका मैथ स्ट्रांग हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंट, वी नो दैट कि 3 स्क्वायर को यानी कि पावर जो है, ये 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, 8 की पावर 5 है। तो पावर क्या शो करता है, पावर मीन्स होता है इट सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर पावर 2 है 3 के ऊपर तो उसका मतलब क्या है कि 3 जो है इट सेल्फ 2 टाइम्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अगर पावर 3 है तो उसका मतलब क्या होगा, 3 जो है 3 टाइम्स इट सेल्फ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। डन है। इसी तरह -3 की पावर 8 है तो उसका मतलब क्या हो हमारे पास कि -3 जो है 8 टाइम्स इट सेल्फ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, वी कैन जनरलाइज एस कॉन्सेप्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ एन फैक्टर्स वेयर ईच फैक्टर ए बाय द इक्वेशन डन। तो अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, ए की पावर एन का मतलब है कि a मल्टीप्लाई a एंड सो ऑन, और आखिर में भी क्या आएगा, a आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको अभी बताया कि जो पावर है वो क्या शो करता है, इट सेल्फ मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर जो n है वो क्या है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर्स या फिर एन फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एन फैक्टर ऑफ ए है। इसको हम तो बहुत ध्यान से, इन द सैम्बल ए की पावर एन, जो सैम्बल है ए की पावर एन, द एनथ पावर ऑफ ए, इसे हम क्या कहेंगे, द एनथ पावर ऑफ ए, और यहाँ पर जो ए है इज कॉल्ड द बेस, यानी कि जिस नंबर के ऊपर क्या होता है पावर होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। एंड एन द एक्सपोनेंट और इंडेक्स, और जो पावर होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ द पावर। डन है। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, बेसिक कि पावर से आपका क्या मुराद है, एक्सपोनेंट से आपका क्या मुराद है, वो क्या शो करता है। तो अगला कौन सा हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया आपके लिए कि फॉर एग्जांपल इन 9 पावर ऑफ 4, दैट इज द 4th पावर ऑफ 9, इसका मतलब क्या है, ये 4th पावर ऑफ 9 है, 9 इज द बेस, यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, 9 है, एंड 4 इज द एक्सपोनेंट, और जो यहाँ पर 4 है इसका वो क्या है, एक्सपोनेंट है। सिमिलरली 3 की पावर -4, डन है। तो 3 की पावर -4 से मुराद है, इस बात का आपको ख्याल रखना है एक और एक बेसिक, कि अगर पावर आपका नेगेटिव हो तो नेगेटिव पावर में हम सिम्प्लीफिकेशन नहीं करते हैं, पहले उसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, और पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर वो नंबर न्यूमरेटर में है तो उसे आप कहाँ लिख दोगे, डिनोमिनेटर में, और अगर वो नंबर डिनोमिनेटर में है तो उसे आप कहाँ ले जाओगे, न्यूमरेटर में। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी आप किसी भी टर्म के पोजीशन को चेंज करोगे, यानी कि न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो जस्ट हमें क्या करना होगा, उसकी जो भी पावर है उसका साइन आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो 3 की पावर -4 यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4। तो 1 की पावर 4 आप बनाओ तो इन दोनों में क्या है, पावर 4 है, तो इसका मतलब इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह आगे बनता है 1/3 की पावर 4। तो यहाँ पर जो हमारा बेस है वो क्या बनेगा, 1/3, और जो हमारा 4 है वो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंट 4। ठीक है, या अगर डायरेक्ट आप देखो तो सब यू भी कह सकते हो कि हमारा बेस क्या है, 3 है, और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो क्या है, -4 है। डन है। तो इट मे बी नोट दैट -3 की पावर 4, -3 मल्टीप्लाई -3 -3 एंड -3, इसका मतलब क्या होगा कि -, +, -, और -, क्या होगा, प्लस, यानी कि 81, और -3 की पावर 4 का मतलब क्या है कि -7, तो हमारा वैसे ही रहेगा। तो जस्ट हमारे पास 3 क्या हो रहा है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये किसके बराबर होगा, -81 के। तो इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं कि अगर -7 ब्रैकेट के अंदर है और होल पावर 4 है तो उसका मतलब कुछ और है, और अगर -7 ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब कुछ और है। तो यहाँ ब्रैकेट के बहुत फ़र्क है, तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, ठीक है, इससे पहले मैं आपको समझा दी कि एक्सपोनेंट वगैरह क्या होता है, अब हमें क्या पढ़ना है असल में कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। पहला रूल हमारे पास क्या है यहाँ पर, कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, यहाँ देखें बहुत ध्यान से कि 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है।
अभी आपको बताया कि 5 की पावर 3 से मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 5 की पावर 4 से मतलब है 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 4 टाइम्स भी क्या होगा मल्टीप्लाई। अगर इन सबको आप मल्टीप्लाई करवाओ तो टोटल कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 7 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि 5 7 टाइम्स जो है इटसेल्फ क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो अगर हम पावर का मतलब होता है इटसेल्फ मल्टीप्लीकेशन, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 7, क्योंकि देखिए 7 टाइम्स से 5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, डन है। और पावर क्या शो करता है इटसेल्फ मल्टीप्लीकेशन, तो उसका मतलब क्या होगा 5 की पावर 7, और 7 से मतलब क्या है कि 3 प्लस 4, यानी कि 1 की पावर क्या थी 3 और 1 की पावर क्या थी 4, उसका मतलब क्या होगा 3 प्लस 4, और 3 प्लस 4 हमारा किसके बराबर होता है 7 के। सिमिलरली आपके पास एक और एग्जांपल है कि -3 की पावर 5, -3 की पावर 4, पहले -3 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करवाया, अभी -3 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करवाया, तो टोटल आप देखें तो कितना बनता है, यानी कि 9 टाइम्स क्या बन रहा है -3 की -3, डन है। यानी कि -3 9 टाइम्स क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उसका मतलब क्या होगा, इसे मैं लिख सकता हूँ -3 की पावर 9, और 9 से मुराद क्या है कि 5 प्लस 4, यानी कि हमें दिख रहा है कि 5 प्लस 4 किसके बराबर है 9 के बराबर है, डन। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास क्या है एक और एग्जाम्पल है कि 3/2 की पावर 2, सॉरी 3/5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/5 की पावर 5, 3/5 की पावर 2 से मतलब 3/5 मल्टीप्लाई 3/5, फिर मल्टीप्लाई बाय 3/5 की पावर 5 का मतलब है कि 5 टाइम्स इसे आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो टोटल कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है 7 टाइम्स। इसका मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 3/5 की पावर 7, तो उसका मतलब क्या है कि 7 से मुराद है 2 प्लस 5, यानी कि 2 प्लस 5, डन है। तो सिमिलरली हमारे पास क्या है कि √3 का स्क्वायर, एक और एग्जाम्पल है √3 की पावर 4, तो क्या बनेगा √3 की पावर 2 प्लस 4, और ये किसको बनता है हमारे पास 2 प्लस 4 6, यानी कि अगर इसमें आप देखें इन चारों एग्जाम्पल में जिसमें हमें क्या मिल रहा है, एक चीज़ जो बहुत कॉमन है समझने की चीज़ है वो क्या है कि जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं तो बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, अगर दोनों नंबर्स का बेस क्या है सेम है तो जो हमें फाइनली जो आंसर मिल रहा है वह क्या मिल रहा है, इन दोनों के पावर का सम मिल रहा है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल को देखते हुए हम क्या करते हैं एक रूल बनाते हैं क्या क्या कि अगर दो नंबर या तीन नंबर्स आपस में क्या हो मल्टीप्लाई हो और उनका बेस क्या हो सेम हो, तो हम क्या करेंगे बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को आपस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे, डन है। इस चीज को आप एक बार फिर समझ लें, अगर दो नंबर या तीन नंबर या उससे ज़्यादा नंबर आपस में क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, और अगर उनका बेस क्या हो सेम हो तो हम क्या करेंगे बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है ये एग्जाम्पल है तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो रूल हमारे पास वो क्या है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बी की पावर 5, इट मीन्स कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि पावर 5 है तो ए मल्टीप्लाई बी को हम क्या करेंगे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, डन। अब हम जानते हैं कि हम इस ए को अलग लिख सकते हैं और इस बी को अलग लिख सकते हैं, तो अगेन हमारे पास क्या बन रहा है ए 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और बी जो है हमारा 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा अगर ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम लिख सकते हैं ए की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 5। तो इस एग्जांपल से हमें ये दिख रहा है कि ए मल्टीप्लाई बी की पावर 5 था तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है ए की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 5, डन। तो इसका मतलब क्या है जो हम इससे फिर इसको देखते हुए जो रूल बनाते हो क्या बनाते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स क्या हो मल्टीप्लाई हो और उसके होल पे क्या हो कोई भी पावर हो तो वो पावर इन दोनों नंबर्स पर आएगा, डन है। इस बात को फिर समझ लीजिए कि अगर दो नंबर्स या तीन नंबर्स क्या हो रहे हो मल्टीप्लाई हो रहे हो उनके होल ब्रैकेट पे क्या हो पावर हो तो वो पावर हर एक नंबर्स पर हम क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी की पावर एन, तो उसका मतलब क्या है कि ए की पावर एन बी की पावर एन और सी की पावर एन, डन। अब हमें क्या करना है इसकी एक्सरसाइज 2.2 के राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट वन क्या है 7^15, यानी कि यहाँ पर 7 क्या हमारा बेस है और 15 हमारा क्या एक्सपोनेंट है। सिमिलरली हमें हमारे क्या है कि -189 बेस है और 10 हमारा क्या एक्सपोनेंट है, 108 बेस है और 64 हमारा क्या एक्सपोनेंट है, ठीक है। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा पॉजिटिव रियल नंबर होगा कौन सा नेगेटिव रियल नंबर होगा,
तो इसकी पहचान क्या है कि अगर पावर क्या है पॉजिटिव, सॉरी अगर पावर क्या है इवन नंबर है तो हमेशा में क्या मिलेगा पॉजिटिव रियल नंबर, अगर पावर ऑड नंबर है नेगेटिव नंबर की पावर अगर हमारे पास क्या है ऑड नंबर है तो उसका मतलब क्या होगा हमें आंसर क्या मिलेगा नेगेटिव नंबर। ठीक है तो पार्ट वन क्या हमारे पास 8 की पावर 4 है, तो ये तो पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर के लिए कोई इश्यू नहीं है कि पावर इवन हो या ऑड हो, जो भी इशू हो किसके लिए नेगेटिव नंबर के लिए। ठीक है तो पहला तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अगला यहाँ पर हमारे पास क्या है कि -113 की पावर 107, क्योंकि अब नेगेटिव नंबर आ गया उसकी पावर क्या 107 है, हम जानते हैं लास्ट में 7 से मुराद ये है कि ये एक ऑड पावर है और जब कभी भी ऑड पावर होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये नेगेटिव रियल नंबर होगा। ठीक है तो सेकंड हमारे पास क्या नेगेटिव रियल नंबर। थर्ड अगेन हमारे पास नेगेटिव नंबर है -912 की पावर 108, यानी कि 108 लास्ट में 8 है तो उसका मतलब क्या ये एक इवन पावर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इवन पावर है तो हमारे पास ये क्या होगा बोले पॉजिटिव रियल नंबर होगा। डन है। अच्छा एक बात का आपको फिर अगेन ख्याल रखना है कि अगर आपके पास -3 की पावर 4 है तो चूंकि पावर इवन नंबर है तो ये क्या बनेगा आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन देख ले बहुत ध्यान से, अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो मैं अभी बताया था कि ब्रैकेट से बिल्कुल डेफिनेशन चेंज हो जाता है तो एक अलग चीज़ है और ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है, उसका मतलब क्या 3 की पावर 4 और इसके बाहर नेगेटिव है तो ये हमारे पास क्या रहेगा नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है तो इसे इसको बहुत ध्यान से देखना है ब्रैकेट में, डन है कि माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर है या फिर ब्रैकेट के बाहर है। लास्ट जो क्वेश्चन आज का हमारे पास क्या कह रहा है कि विच इज द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 38 × 83 की पावर 9, कौन सा करेक्ट वे। पहला क्या बोल रहा है, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विथ 83, अब क्या करो 38 को मल्टीप्लाई करवाओ 83 से एंड देन फाइंड द 9th पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट, और फिर अब क्या करो उसका 9th पावर लो। सेकेंड क्या कह रहा है कि वी फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83, पहले आप क्या करो 83 की पावर 9 लो एंड देन मल्टीप्लाई इट विथ 38, और फिर आप क्या करो 38 से मल्टीप्लाई करवाओ। तो जो उसका सेकेंड मेथड है वो क्या है ट्रू है और जो पहला वाला क्या है वो फॉल्स है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे पावर को सिम्प्लीफाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको तरतीब से ये चैप्टर्स लॉगरिथम और इंशाल्लाह पूरा मेरा टारगेट है कि मैं क्लास मैट्रिक के कोर्स आपके लिए अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।